घर आते ही ये न्यूज मिली है। मेरी सारी वीडियो जितनी भी थी उन्होंने वहीं पर डिलीट करवा दी। मेरा गाड़ी तेज नहीं थी तो बच गए। हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट कवर। तो ऊपर से हम सब बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम हो रहे हैं पूरे 7:30 और 9 बजे का रास्ता हमने निकले हैं आज दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। 5 या 6 घंटे का रास्ता दिल्ली का। तो हम रास्ते में एक गुरुद्वारा साहिब रुकेंगे, वहां पर जाएंगे। तो आज का व्लॉग पूरा देखना, एंजॉय करना, बताना कैसे लगता है। अभी मैं आया हूँ अपने भाई की घर, दूसरे भाई की घर, कजन की घर। यहाँ से फटाफट नहाने के तैयार होकर फिर आप चलते सीधा दिल्ली एयरपोर्ट और वहाँ पे आपको दिखाएंगे सारा। एयरपोर्ट भी दिखाएंगे और रास्ते का जो भी होएगा जो भी आपको सारा दिखाएंगे। तो लो जी, फाइनली गाइस तैयार हो चुके हैं एकदम ना। और अभी बस फटाफट जा रहे हैं हम इधर से अपने भाई के घर उधर। तो वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ पे गाड़ी भी अपनी आई हुई जिसमें हमने जाना है। तो गाड़ी में बैठ के फटाफट चलते हैं दिल्ली, क्योंकि हमें 9 बजे निकलना था और 9:10 हो चुके हैं इस टाइम। तो बस फटाफट चलते हैं और वहाँ का माहौल आपको दिखाते हैं सारा। पैदल यात्रा में जा रहे हैं हम सीधा। इसके घर से बहुत पास है उसका घर, तो हमने सोचा पैदल ही चलते हैं क्योंकि वहाँ जाके तो गाड़ी पे जाना है हमने इकट्ठे। और ये खड़ी अपनी गड्डी तैयार जिसमें हमने जाना है। तो बस उनकी बेटा है। घर आते ही ये न्यूज मिली है कि एक और गाड़ी यहाँ से जा रही है। पहले एक जा रही थी, अब एक और जा रही है। तो अभी मैं इसके साथ जा रहा था इसकी घर दोबारा से जहाँ से हैं ड्रायर लेने, क्योंकि वो कहते ड्रायर रह गई थी। ड्रायर लेके फिर उसको दे के फिर हम चलेंगे यहाँ से दिल्ली के लिए। और दो गाड़ी जा रही है, अब एक गाड़ी आ गई, एक खुद की जा रही है अपनी। कैसे लग रहा है फिर तू जा रही है? इधर देख, इधर देख, इधर कैसे लग रहा है? तीन ब्लॉगर खड़े हैं यार। एक, दो, तीन। इनका रिएक्शन ले रहे जो जिसका लास्ट में बना है। भाई मैं बेड पे बैठी थी, मैं बताती हूँ, मैं बेड पे बैठी थी कि मैं भाई 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 नहीं, बस तू जा, आप जल्दी तैयार हो, जल्दी टाइम नहीं, टॉप दे। बेड पे भी बैठी रहेगी तो यहाँ पे रख दे नीचे। ऐसे कैसे को कैसे लगा तूने सुन के? अभी दो गाड़ियाँ जा रही हैं इकट्ठी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हम सारे इकट्ठे होकर जाएंगे फिर और उसको बढ़िया तरीके से छोड़ के आएंगे। अरे पीछे कौन है? पार्थ और वो बैठेगा ना, सराज। सारी कुछ यार गाने सुनने हैं बाहर वाले, रेस्टोरेंट में थोड़े छोटे हो जाते हैं। उधर साइड में देख मयंक, मम्मा साइड में देख ये घड़ी का डब्बा लाया, घड़ी नहीं लाया, देख लो भाई इसको, देख लो सारे। ए है क्या बंदे, ये जा रहा न्यूजीलैंड, डब्बा चक लाया, घड़ी नहीं लाया। बताओ हाँ, तो मयंक कैसा लग रहा है? डब्बा लेके जा रहे हो बट घड़ी खुद भूल गए हो। विदाउट डब्बे घड़ी वहां से पपीते के बीज लाया, पपीता घर ही छोड़ा है। हाँ ऐसा लग रहा है। पपीते के बीज होते हैं वैसे, ऐसा लग रहा है जब गाड़ी में डॉग करता रहता है। अभी हम आपको दिखाएंगे अरमान मलिक का सैलून। हाँ 90% चांसेस है बाहर ब्लॉगर भी खड़े होंगे वहाँ पे ना। हाँ उस दिन जब मैं जा रहा था तब राइट ब्लॉगर मोटो ब्लॉगर खड़े थे उसके बाबू शोरूम का। हाँ कोई इतने सारे खड़े थे। हेयर गार्डन, ये रहा अरमान मलिक का शोरूम। खड़ा है? नहीं खड़ा, अलकाजा नहीं क्रेटा है। तो ये रहा भाई अरमान मलिक का शोरूम सैलून। अभी हम पहुंचे हैं जीरकपुर, सीधा पहुंच गए बस फिर नहीं, वो
चार से पाँच घंटे लगेंगे हमारे दिल्ली पहुँचने में। सबसे पहले हमें जाना शायद नीलकंठ रुकेंगे, शायद होटल में रुक के खाना खाएंगे नीलकंठ, और दूसरे पे हम जाएंगे। उसके बाद हम रुकेंगे शीशगंज गुरुद्वारा साहिब, वहाँ कभी आपको दिखाऊंगा पूरा, तो चलते हैं उसके आगे। लो जी लो खीर आ गई भाई, खीर यहाँ खीर बट रही है सबको भाई। आज तो यहाँ पे भाई आए थे ये लोग मतलब मिलने, मतलब मामू से मिलने, तो मिल रहे हैं बस वहाँ पे। उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ से सीधा नीलकंठ, और यहाँ पे हो गया सारे मिल लिए। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बोलो बोलो ऐसे बोलते रहो। सीख नहीं जा रही है। बस अब मैं ये वाली गाड़ी में जाऊंगा, पहले उसमें थे अर्टिगा में, अब यहाँ पे जाएंगे। चलो बाय बाय। चलो यार पहले खीर खाते हैं, खीर खाते हैं, खाओ जी खाओ, फिर चलते हैं अपना। मैंने खानी है ना पकड़े। अच्छा चम्मच दे यार, एक एक चम्मच मेरे मुंह में पाता रहा थोड़ी थोड़ी देर बाद। भाई साहब कैमरा येरा बिल्कुल सामने नीलकंठ। यहाँ पे खाना खाने आगे, बस फिर हम चलते हैं यहाँ से सीधा दिल्ली। इससे इसके बाद कहाँ जाना है हमने? इसके बाद कहाँ जाना है? इसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट। हाँ नहीं, उसके बाद गुरुद्वारे। हाँ गुरुद्वारे की साइड जाएंगे, यहाँ खाना खा के उसके बाद फिर सीधा दिल्ली बिना रुके। इतनी इतनी खतरनाक आ रही क्योंकि सारी रात आपको पता है 2:30 बजे हम सोए थे, अपना क्या ही कर रहे थे, आपने देखा था रात का भी। तो बाकी बस खाना खाते हैं, बट चलते हैं फिर। भाई साहब ये तो फंस गया गाड़ी में। फंसा दिया लड़के को, फंसा दिया गाड़ी के अंदर। हेलो गाइस, बस आए नहीं, काम होता है। हेलो गाइस, हेलो। इधर ना बेल्ट के इधर है, अगर दे देता हूँ। हाँ हाँ तीन कुछ क्या चीज़ है ना, दाल सब्जी लगाना, दाल सब्जी वैसे मक्खन डाल, मक्खन दिया। लो जी फाइनली अपनी परोठी आ चुकी है, खा के चलते हैं। अब यहाँ पे CNG डलवाने के लिए रुके हैं, अब बैठ जाओ आगे, गोडे जाम हो गए। तो अभी यहाँ CNG डलवा के बस चलते हैं फिर। और रख हौसला, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया 2:05। ओए चार्जिंग कितनी है इधर? आजू है जगह? अपनी जगह पे। हाँ जी पहुंच गए, जहाज गर्म हो गया। हाँ जी हो गया, जान दे फिर। 1 2 3 गो शू। 1.5 घंटे का रास्ता वहां से एयरपोर्ट के यहां से। अनाउंसमेंट की जा रही है, प्लीज प्लीज सीट बेल्ट
एंड इफ यू फील अनकंफर्टेबल तो आके बंद कर लीजिए और अपने भगवान को याद कीजिए। वो लाल बटन दिख रहा है, नहीं दबाना था। देखते हैं रन फंस चुके हैं यार, जिस चीज का डर था दिल्ली एंटर होने से पहले फंस चुके जाम में, तो लगेगा जी अब थोड़ा टाइम, बाकी लगना था वहाँ पे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। सही बात है, क्यों हम रश के अंदर फंस चुके हैं, इसके पल्ले इसी कारण बंदा दिल्ली नहीं आता। साथ साथ कैमरे इसके साथ साथ के साथ अगर खत्म हो गया था, अगर आ रहे तो छोटा हो गया पहले। ये सामने कूड़े का पहाड़ और सब पंछी देखो आप ऊपर इतने आगे। ये पहुंच गई थी दिल्ली, देख तो कितना बड़ा बना रखे लोग इन लोग, और दिल्ली की शुरुआत इस पहाड़ से की गई है। यार बात है बोर्ड से देख, ये कड़ी कड़ी का ईगल वो सवार है, साइड में गाड़ियां भी जा रही हैं, कूड़े वाली है सारे। भाई साहब इतना देख लो, इतना गंद, शुरुआत ही ऐसी है और साइड में नदी भी है, क्या बात है। हेलो, वही तो मैंने पूछने वही तो चाचा मेरे पूछने, आप किधर हो? सर डिजाइन अच्छा लगे वैसे लगवा लो यार, हमने अभी ये गेट एंटर किया एक वाइट सा कश्मीरी गेट। हां चलो फोन मत करना यार दिल्ली। हां जी, बड़ी मजा आता है इसको घूम के घूम के। ओ जा क्या कहते कि ना वो करूंगा, जब मैं बोलूंगा नहीं मारूंगा बस। मारूंगा ज्यादा, गिनूंगा एक बस, मारूंगा 10 गिनूंगा एक। हाय अल्लाह देखो ना क्या मैं कि एम्बुलेंस को रास्ता भी मिलना होगा यहां तो। वो अपने ही पीछे है, अपने ही उधर है पीछे है बैक साइड में। चल फिर आगे वाले रास्ता देंगे, मैं क्या ऊपर से ले जाऊं, ये दिल्ली है यहां पे मरीज देख लो भाई साहब, इतना जाम होता है दिल्ली का। हां जी एम्बुलेंस की आवाज आ रही है आपको, आपके वहां पे एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, बस हम उसी के आगे हैं, उसी जाम में ही है, उसी जाम के अंदर हैं, जिस जाम में आप फंसे हुए हैं, बस एम्बुलेंस के साथ साथ ही है, जहाँ पे आवाज आ रही है ना एम्बुलेंस की उसके साथ है बिल्कुल। कहाँ है एम्बुलेंस? हमारे पीछे है। चलो ढोल यार एम्बुलेंस बंद करें, चित्र बजने चाहिए भाई साहब, एम्बुलेंस का रास्ता ही मिल पा रहा है, जाम में खड़े हैं, इतना ज्यादा गलत क्यों, इतना ज्यादा खतरनाक जाम है, मतलब क्या ही। ये देखो जी कितनी गलत चीज है, एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिल रही, इतना रश है यहाँ पे, तो भाई साहब यहाँ पे इतना गंदा जाम है दिल्ली का की नींद बहुत आ रही है अब तो, जाम देख कितना ज्यादा। और हम पहुंचे लाल किले के पास, अब जाने से शीशगंज गुरुद्वारा साहिब, वहां पे आधा घंटा लगने को लगेगा, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट। फिलहाल अभी जाम देख सकते हो पीछे यार, इतना जाम मेरे, और आगे भी जाम है पीछे भी जाम है, और हम जल फंसे हैं बेचारे, तो कुछ नहीं कर सकते, हम सो सकते हैं, सोते हैं। फिर सबसे मेन चीज जो हम लेके आए थे अपने साथ पावर बैंक, वो भी उसकी बैटरी ख़त्म, और फोन में बजे सिर्फ 50% बैटरी। 25 किलोमीटर लाल किला देख लो भाई, देख लो लाल किला आ गया, पहुंच गए बिल्कुल लाल किला के सामने, ये रहा भाई सब लाल किला देख लो आप, वाह क्या खतरनाक है यार, वाह ये तो सच्ची में ही लाल है भाई साहब। लाल किला के बाहर पहुंच गए बस, और जाम ने बुरी हालत कर रखी पूरी भाई साहब, ये देखो कितनी साथ चल रहे हैं यार लोग, ये देखो यार इतना जाम है, ये भाई साहब लाल किले का जबरदस्त नजारा, शुक्र है जाम से तोड़े यार। क्या होगा यार इतना बड़ा लाल किला भाई साहब, ओ माँ गुडूला बना ले तुरुला तुरुला, मैं कहा गुडूला वही बना, तुरुला वीडियो बना ले थोड़ी की, लाओ भाई साहब थोड़ी की बना दे, मैं थोड़ी की बहुत बढ़िया है, काट दे काट दे, बहुत बड़ा है वीडियो बना दे यार, मजा आए जहाँ भी एंड रहेगा मम्मी पे वीडियो मैं कर दूंगा पोस्ट, तो हम हैं जी लाल किले के साइड पे, काफी बड़ा है बहुत बड़ा
हो गया भाई खत्म हो गया। देख लो भाई लाल किला पकड़ा देते हो तुम लोग। बस यार तू दे दे यार छुआरा। अबे दाढ़ी खींच लूंगा चैट हो जाए। देखना इसको साथ ना मोड़ देना। बाबा जी सॉरी यार देख के तुझे लंबा मोड़ मोड़। अच्छा क्या हैंड ब्रेक खींचनी थी अभी तो वो ध्यान से रास्ता देख के यहीं तो मोड़ना था यार। यार जाम देख के ना मन खराब होने लगता है यार। फिर कभी जाएंगे किधर किधर ये रहा साइड में लेफ्ट साइड भाई देख इधर जाना है यार। भाई साहब ये मार्केट है यहाँ की दिल्ली की। क्या चक्कर है भाई हो रहे हैं जड़े ऐसे लगा रखे हैं। नहीं भाई साहब हमारा ये और कर दे कर दे कर दे लो जी एक्टिवा चले गए बॉन्ड और खड़ा हो जी सड़कों पे। तो भाई साहब मेरा करता वही काम ये तो मैं डरता सी। लो जी फाइनली पहुंच चुके काफी इतनी देर के बाद पार्किंग कर लिया हमने गाड़ियों की और इतनी नीचे नीचे भेजते हैं हमारे को ये कि गुरुद्वारे तक अभी पहुंचे नहीं। वहाँ गुरुद्वारे तक हम जाएंगे पैदल और बस गाड़ियाँ खड़ाई है हमने और अब भीड़ भाई साहब यहाँ इतनी भीड़ है मतलब दिल्ली की पॉपुलेशन को तो मान गए बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रश है। तो बस अब पार्किंग कर दी सीधा जा रहे हैं पैदल यहाँ से गुरुद्वारे साहब वहाँ मत्था टेक के फिर हम चलते हैं यहाँ से सीधा दिल्ली के एयरपोर्ट। तो चलो चलो क्या हुआ वहाँ से ऊपर चढ़ के बाइक पॉइंट से बाहर हो जाइएगा। कितने दूर है बस पास से गुरुद्वारा 5 मिनट का रास्ता नहीं 10 मिनट। अरे पार्किंग से निकल आएगा टोटली फुल भाई साहब टोटली फुल दिन के 10 या 20 गाड़ियों की जगह बची हुई पूरे 4-5 फ्लोर में आखिरी में सबसे नीचे वाले फ्लोर में हमारी गाड़ी आई है। अब देख लो आप बहुत अच्छा भाई साहब। लो जी फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं शीश गंज गुरुद्वारा साहिब। तो ऐसा है चलो चलते हैं अंदर। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से चाइना धाम कराची हलवा लेने। भाई अब यहाँ से खाने का मन कर रहा था छोले भटूरे तो अब हम खाएंगे छोले भटूरे। तुम लोग भैया आ चुके थे बढ़िया सबने छोले चल आ जा फटाफट से खाते हैं और बताते हैं हमको खाने के बाद। बहुत छोले भटूरे क्या कमाल के हैं लग रहे हैं छोले भटूरे मिलते हैं शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल थोड़ा आगे जाके इतने स्वाद है ना भीड़ का भी अभी तभी ले लिए तो फटाफट खाते हैं। कैसे लगे कुछ हो जाए तब हम ये बेसमेंट मैच जहाँ गाड़ी खड़ाई थी अंधेरा देख लो कितना अंधेरा देख लो भाई कुछ दिख नहीं रहा है इतना अंधेरा है अब देख लो सिर्फ ये चमक रही है इनकी और बेसमेंट है ये गाड़ी खड़ाई थी हमने यहाँ लाइट गई है। अच्छा लाइट गई है भाई देख लो सुन लो लाइट गई है लाइट पर फिर भी यार अंधेरा तो इतना होना नहीं चाहिए ना ऐसा रात हो गई ऐसे पर है भाई। तो फाइनली गाइस हम
जाके आ चुके हैं गुरुद्वारा साहिब शीशगंज गुरुद्वारा साहिब। उसके बाद हम गए उसके बाद हम गए चाइना धाम के पास। वहां से हमने क्या लिया था नहीं बताओ यार, कराची हलवा लिया, और जो भी थोड़ा बहुत खाना था छोले भटूरे वगैरह हमने खा लिया। अब और अब मैं नई चीज लेके आया, यहाँ से लिया हमने गोरिल्ला पॉड ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना आए इसमें वीडियो बनाने में। और एक और चीज लिया हमने, दिखाइयो ये बड़ी पीछे रिंग लाइट भाई, सही मिली चीज हमने ले ली यहाँ से बढ़िया। और बस अब जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट की तरफ, टाइम हो चुका है यहाँ पे पूरे 5:40। और ये रहा जी हमारे साथ ही एकदम लाल किला। वैसे उसका एंट्री का टाइम 7 बजे का है और हम पहुंचेंगे लगभग, पहुंचेंगे से अभी पहले यहाँ से निकाल लूं पहुंच जाएंगे लगभग यार 6:45 में वहाँ पे होंगे, 1 घंटा 1 मिनट का रास्ता बस 6:45 से पूरे वहाँ पे होंगे। तो चलते हैं फिर, दिखाते हैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट और हम भी देखते हैं भाई। ऐसा हो देख रहे हो, फिर पहली बार देख रहे हैं आप ऐसे दिल्ली की सड़कें खाली, नहीं तो अभी तक जब से आया ना भरी हुई देखी है, सड़क दिखी है। हाँ बहुत मुश्किल से ना, ये खेड़ा पार्क है इतना बढ़िया, राजघाट भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी ये गाड़ी यहीं पे दिखती है ऐसी। तो गाइस अभी हम गए थे ना शीशगंज गुरुद्वारा साहिब, वहाँ गए थे तो वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई अंदर की, थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करी तो उन्होंने मेरे को देख लिया था, तो मेरी सारी वीडियो जितनी भी थी उन्होंने वहीं पे डिलीट करवा दी इस करके। अरे उन्होंने डिलीट करवा दी मेरी वीडियो, तो फिर इन्होंने बनाई थी, इसने भी बनाई थी गोमजी ने, और एक और किसी ने और भी बनाई थी। बनाने का तरीका होना चाहिए, शाइन वापसी पे बना रही थी, तो फिर उनसे ले लूंगा थोड़ा बहुत दिखा दूंगा। नहीं मैं अपना कंटेंट के दूं नहीं, तो एक आधी वीडियो दिखा दूं वैसे, क्योंकि उन्होंने मेरी डिलीट करा दी। नाचते रहे पूरी जोश से।
ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ गाइज होप करते हैं आप सब दिल्ली सीरीज इंजॉय कर रहे होंगे। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करके बताना कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, दिल्ली की पूरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं बताना। इस वीडियो पे आप मेरे जल्दी जल्दी 300 लाइक कंप्लीट करा, जैसे 300 लाइक मेरे कंप्लीट होंगे तो मैं सात क्लास का जो दिल्ली सीरीज का सबसे मेन पार्ट है वो मैं डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी जल्दी 300 लाइक कंप्लीट करा दो, 300 लाइक होते ही वो आपका वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो।